इंडियन हाउसहोल्ड्स में कहते नहीं है बेटा तूने इज्जत बचाई है हमारी, तो वहां पे अगर अब ड्रेसिंग रूम में गए होंगे तो इन्हीं को बोल रहे होंगे कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन, भाई लोग आपने आज इज्जत बचाई है, नहीं तो यहाँ पे तो स्कोर कुछ और ही होना था। बिल्कुल, जिस हालात में वो आए हैं उसके बाद इनसे और अपेक्षा क्या कर सकते हैं। आखिरी 5 ओवरों में या 4 ओवर में 61 रन जो बनाए हैं, और इस ग्राउंड में आखिरी में इतने बनते नहीं है, बाकी मैचों में देखें आप शारजा की तरह नहीं है, तो उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत बढ़िया किया। लेकिन अगर सवाल पूछ रहे हैं पिताजी ना, अगर बड़ों की बात कर रहे हो तो बड़े कहेंगे बेटा इतनी देर से क्यों आए थे आप लोग, आपको पहले जाना चाहिए, आपको क्या डर लग रहा था ये टीम आपको ऑल आउट कर देगी, आप जो बच्चों को आगे भेजे जा रहे थे। मैं सिर्फ एक ही सवाल है, कौन है जो सोच रहा है अगर, क्योंकि जिस तरह से आज खेलते हुए देखा ना शुभम गिल को, मैं डिसअपॉइंट हो गया हूं, क्योंकि शुभम गिल आए हैं पहले से आपको पता है वो सॉलिड प्लेयर है, वो एक इनिंग होल्ड करके रखेंगे। जब आपने शुभम गिल को अंदर भेज के उसको कहना हट के मार और तू घुमा के मार, तो वो उनके गेम ही नहीं है। तो मेरे को सोच की रिजल्ट पे नहीं जा रहा, रिजल्ट तो उन्होंने मारे एक ओवर में 3-3 चौके भी, लेकिन हट हट के। तो अगर आपकी सोच ये है कि अगर उन्होंने जल्दी रन चाहिए फिर उनको क्यों भेजते, फिर ये दिनेश कार्तिक, इयान मॉर्गन जो है, तो मैं वो कह रहा हूँ कि अगर पापा की बात कर रहे हैं ना कि इज्जत बचाई है, तो पापा को ये पूछना चाहिए अरे भाई पीछे से क्यों लड़ रहा था, आगे क्यों नहीं जा रहे तुम लोग, क्या डर रहे थे कि ऑपोजिशन में इतनी तगड़ी बोलिंग है हम ऑल आउट हो जाएंगे। सर क्या डिफेंसिव, मनोज यू कॉल इट डिफेंसिव माइंडसेट, या बिकॉज़ सर इस मुकाबले से पहले जो आपका ये टॉप थ्री रहा है, एक तो है कि ये टॉप थ्री काफी टाइम से चल रहा है, सो व्हाई ब्रेक दैट कॉम्बिनेशन, एक वो भी नजरिया है। नहीं, वाई ब्रेक द कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए, देखिए ये फॉर्मेट इतनी फास्ट है ना, मैं पाजी से एकदम सहमत हूँ, अगर आपको लड़ाई करना है और खासकर जब कप्तानी आप कोई टीम की कर रहे हो ना, तो आपको सामने से यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। टीम की कॉम्बिनेशन आप सोच रहे हो कि टीम की मतलब बैटिंग ऑर्डर मैं चेंज नहीं करूंगा, लेकिन एक समय जो फॉर्मर कैप्टन है वो कह रहे थे कि फ्लूडिटी हमारी बैटिंग ऑर्डर में है, लेकिन वही फ्लूडिटी आज दिखने को नहीं मिली। हालांकि हम अगर देखें नीतीश राणा जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं डाल रहे, बड़ा स्कोर नहीं कर रहे, जिसके वजह से वो जो ब्रेक आ रही है ना बैटिंग में, बैटिंग भी तो एक रिदम के हिसाब से चलती है, मोमेंटम के हिसाब से चलती है, जिसके वजह से पीछे वाले जो बैट्समैन आ रहे हैं उनको भी सेट होने में टाइम लग रहा है। और जब उनको पता है कि अब मैं आउट हो गया, मॉर्गन को लग रहा होगा कि मैं अगर आउट हो गया ना तो फिर और भी रन नहीं बनेंगे, तो वो भी वो एंकर से शुरू करते हैं फिर जाके लास्ट में मारते हैं, अगर जिस दिन नहीं लगा लास्ट में तो फिर वही दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से पाजी का बात सुनना चाहिए और टीम मैनेजमेंट जो केकेआर के हैं, हमारे तुरंत एक आदमी को फिट करना चाहिए क्रिक बज लाइव देखने के लिए, और यहां से आइडियाज लेके जाके अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लड़ाई करनी है, आगे बढ़नी है, चैंपियन बननी है, तो आपके बेस्ट प्लेयर को आगे भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 ओवर का खेल है, 20 ओवर आप सबसे अच्छे बैट्समैन को तो देंगे बैटिंग करने के लिए, तो आप फिर से सोचे 3 नंबर और ओपनिंग स्लॉट को लेके, कि जब नहीं चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा था अर्जुन जो आप कह रहे थे, लेकिन जब नहीं चलता है ना तो तुरंत चेंजेस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ट्रेन छूट जाती है।